उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे मुजफ्फरनगर पहुंचे। पूर्व से प्रस्तावित मुजफ्फरनगर का ऑफिशियल दौरा करने के लिए आज़ादी के बाद पहली बार राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभी कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण करते हुए चकबंदी कार्यालय के पेशकार को तृतीय मिलने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और बंदोबस्त अधिकारी के खिलाफ सहारनपुर मंडल कमिश्नर को जाँच करने के निर्देश दिए। इस दौरान सहारनपुर मंडल कमिश्नर और DM सहित जिले के आला अधिकारियों की सांसें अटकी रही। एक सप्ताह से जिला प्रशासन राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रजनीश दुबे के दौरे को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ था। इस दौरान परिषद अध्यक्ष रजनीश दुबे ने कलेक्ट्रेट में आई ऑफिस भीम का शुभारंभ किया तो वहीं 76,59,00,000 रुपये की लागत से निर्मित सदर मालखाना के भवन का लोकार्पण किया। लगभग 3 घंटे तक कलेक्ट्रेट के सभी विभागों में घूम घूम कर निरीक्षण किया तो वहीं 1.5 घंटे तक कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत सभागार में राजस्व से जुड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर राजस्व बढ़ाने और प्राप्त करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। रजनीश दुबे ने कहा कि यहाँ के कलेक्ट्रेट 150 साल पुरानी है। यहाँ का अभिलेखागार भी काफ़ी पुराना हो गया है। यहाँ पर नया अभिलेखागार बनाया जाएगा और उसके अंदर जो परगनेवार गांव के वस्तुओं को, लेखपाल के वस्तुओं को और रिकॉर्ड रूम के वादों के वस्तुओं को उनके रखने के जो तरीके हैं उनको भी चेंज कर एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के रूप में स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज नई माल खाने का भी शुभारंभ हुआ है। वहां भी काफ़ी पुराने आयुध रखे हुए हैं जिनका रखरखाव ठीक तरीके से आगे किया जाएगा। उन्होंने नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की भी बात कही। वहीं वसूली को लेकर कहा कि कुछ बड़े बकायेदार के नाम अभी तक रजिस्टर में नहीं दिखे हैं। उन्होंने बाकीदारों के खिलाफ कठोरता से वसूली का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन्होंने भी बैंक का दे लिया है और बैंक लोन वापस नहीं किया है या स्टाम्प ड्यू है या बिजली का ड्यू है वो बकाया दे दे, नहीं तो कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे SDM को मजबूर होना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जो माहौल है वो सामान्य जिलों की तुलना में बेहतर है। स्ट्रीट बर्स के लिए मुजफ्फरनगर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर पहुंचे आप, निरीक्षण के लिए किस तरह निरीक्षण हुआ, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए, क्या खामियां भाई? मुजफ्फरनगर एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है उत्तर प्रदेश का और यहां पर आज कलेक्ट्रेट का मुआयना किया गया मंडलायुक्त महोदय के साथ में। DM साहब भी हमारे साथ में उपस्थित थे। तो यहां पर कलेक्ट्रेट बहुत पुरानी है, 150 साल से ज़्यादा पुरानी है। अभिलेखागार भी यहाँ का काफ़ी पुराना हो गया है। यहाँ पर नया अभिलेखागार बनाया जाएगा और उसके अंदर जो परगनेवार गांव के बस्तों को, लेखपाल के बस्तों को और रिकॉर्ड रूम में जो वादों के बस्ते होते हैं उनको रखने का जो तरीका है उसको भी चेंज करके एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की स्थापना यहाँ मुजफ्फरनगर में की जाएगी। आज नए मालखाने का भी शुभारम्भ हुआ है और वहाँ भी काफ़ी पुराने आयुध रखे हुए हैं जिनका रखरखाव ठीक तरीके से आगे किया जाएगा। यहाँ जो कैंटीन है, यहाँ जो अन्य जनरल टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था है, बगल में नगर पालिका के माध्यम से सटी हुई बस्ती में, उसमें भी नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनवाया जाएगा। जहाँ तक राजस्व के मामलों का प्रश्न है, ये पश्चिम का ज़िला है और पश्चिम के ज़िलों में वाद अपेक्षाकृत कम होते हैं पूरब की तुलना में, तो वादों के निस्तारण की तो स्थिति कुल मिलाकर न्यायालयों में संतोषजनक है, लेकिन जो यहाँ पर चकबंदी का काम चल रहा है वो सही नहीं पाया गया है और SOC न्यायालय में जो है वो काट कर ओवरराइटिंग करके आदेश को बदला गया है, जिसमें SOC के जो पेशकार हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और जो SOC हैं उनके खिलाफ भी मंडलायुक्त को जाँच करने के निर्देश बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के खिलाफ दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो गार्ड फाइल्स का रखरखाव है वो बाई एंड लार्ज ठीक है, केवल जो ERK सेक्शन है वहाँ पर थोड़ा शासनादेशों के रखरखाव में और सुधार की आवश्यकता है। एक नया फोटोकॉपियर भी रिकॉर्ड रूम में, जिससे लोगों को जल्दी कॉपी मिल जाए, 1-2 दिन का डिले कभी कभी हो जाता है, तो उसमें एक फोटोकॉपियर और जिलाधीश ने आश्वासन दिया है कि वो नया लगवा देंगे, उससे काफ़ी लोगों को सहूलियत हो जाएगी। यहाँ पर जो घरौनियाँ बन रही हैं उसमें मात्र 9 गांव ऐसे बचे हैं मुजफ्फरनगर में जिनमें अभी जो ड्रोन की फ्लाइंग हुई थी उसमें कुछ त्रुटि थी, उसकी वजह से 9 गांवों में घरौनियाँ अभी भी आबादी की नहीं बन पाई है। यहाँ पर भी 15 दिन के भीतर ड्रोन की नए सिरे से फ्लाइंग कराई जाएगी
और उड़ाने के बाद इनकी भी जो घरौनियाँ हैं वो पूरी शीघ्रता से बना के 100% इसमें घरौनी का काम पूरा कर लिया जाएगा। बाकी वसूली का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ बड़े बाकीदारों के नाम अभी रजिस्टर में नहीं दिख रहे हैं, तो वो डीएम साहब को मैंने बताया है और डीएम साहब इसको नए कुछ बाकीदारों को अनर्थ करके उनके खिलाफ कठोरता से एक वसूली का काम करेंगे। जिन्होंने भी बैंक का दे लिया है और बैंक लोन वापस नहीं किया है, या आपके पास स्टैम्प ड्यूज हैं या बिजली का ड्यू है, मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि अपने जो आपके बाकीदार के जो बकाए हैं वो दे दें, क्योंकि नहीं तो कठोर कार्रवाई करने के लिए हमारे एसडीएम्स को मजबूर होना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी जो किसान कल्याण योजनाएं चल रही हैं उसमें मुझे जिलाधीश ने बताया कि लगभग सारे मामलों में कृषक दुर्घटना बीमा योजना में पैसा चला गया है। लगभग 31 मामले ऐसे हैं जिनके लिए अभी गत सप्ताह बजट मांगा गया है, एक सप्ताह के अंदर ये बजट भी वहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अधिवक्ता हैं, यहाँ पर जो एक सामान्य माहौल है मुजफ्फरनगर का, वो बाकी ज़िलों की तुलना में बेहतर है। थैंक यू सर।